खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सुने हैं जिनका जवाब देना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से मैं आपको कमेंट्स के वीडियो नहीं दे पाई, मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक हेल्पर रखी है, इनका नाम है लक्ष्मी। ये मेरी हेल्प करती है वीडियो एडिटिंग में और आज मैंने इसको कमेंट्स में ले लिया है। तो ये आपके कमेंट्स पढ़ेंगी और मैं आपको इनका जवाब दूंगी। हेलो, मैं लक्ष्मी। मैं जितने भी वीडियो लक्ष्मी के साथ बनाती हूँ तो इनके पति से मैंने परमिशन ली है, इनसे भी मैंने परमिशन ली है कि मैं ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ जितनी दीदी जितनी भी वीडियो बनाएंगी वो यूट्यूब पर अपलोड कर सकती है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहला कमेंट है दीपू का, जिन्होंने दीदी से अस्तर वाले सूट की कटिंग के बारे में पूछा है। वो पूछ रही है कि दीदी अस्तर वाले सूट की कटिंग और नाप कैसे लें, उसका वीडियो भेजना। तो जैसा कि आपने सुना कि ये अस्तर वाले सूट की कटिंग और नाप पूछ रहे हैं, तो नाप लेना, जैसे मैंने बताया है कि सुमन मैडम का मैंने नाप लिया है, उसी तरीके से आपको नाप लेना है। उसमें आपको आधा इंच लूजिंग रखना है और अस्तर वाले सूट की कटिंग भी मैंने बताई है, खुशी बुटीक चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको आई बटन में ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है फतिया बेगम का, जिन्होंने पूछा है मैम कमीज सिलने के बाद उसका गला एक तरफ से गिरता है, क्यों प्लीज़ बताएं। तो इनका कहना है कि हमारा एक साइड से ये कंधी गिरती है। तो जैसे आप कुर्ती सिलते हैं तो उसमें, जैसे मैंने कल इस कुर्ती का वीडियो बनाया था कि टेडी कुर्ती की कटिंग हम कैसे करें, जैसे आप इसकी टेडे कपड़े में ही कटिंग कर देते हैं और उसकी स्टिचिंग करते हैं तो कुर्ती एक साइड से टेडी हो जाती है और एक साइड से कंधी गिरने लगती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि टेडी कुर्ती को हम सीधा कैसे करें, या फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं कि जो गला और घेरा टेढ़ा हो तो उसकी हम कटिंग कैसे करें। फिर अगला कमेंट है केशव शर्मा का, जिन्होंने पूछा है कि मेरा गला पीछे जाता है चेस्ट से। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि गला पीछे क्यों जाता है, ये वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आप को ये वीडियो नहीं मिल रहा है एंड स्क्रीन में या आई बटन में, तो आप खुशी बुटीक आगे लगा के और जो भी वीडियो आपको सर्च करना है वो भी वीडियो आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है नेहा माशुरी का, मैम मेरा कुर्ता तिरछा जाता है। ये तिरछा जाता है कुर्ता, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कुर्ता तिरछा क्यों जाता है। इसके लिए मैंने अभी अभी भी जवाब दिया है कि इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इस कुर्ती का वीडियो मैंने बनाया है, गला और घेरा टेढ़ा होता है तो इस कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है ललिता जोशी का, जिन्होंने सलवार की लेंथ कैसे बनाएं, सलवार कटिंग की वीडियो पे पूछा है। मैम मेरी सलवार की मोरी के लिए कपड़ा नहीं बचता और टुकड़ों से पोंचा कैसे बनाएं या मोरी कैसे बनाएं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि सलवार की लेंथ कम हो तो उसमें हम अलग कपड़े से पोंचा बना के अटैच कर सकते हैं। अगर आप के पास जो पूरी लेंथ की सलवार है उसके नीचे आप कपड़ा लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे कलर का कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपकी सलवार की लेंथ कम है उसमें आप पोंचा जैसे जोड़ना चाहते हैं तो उसमें आप कुर्ती के कपड़े का भी पोंचा लगा सकते हैं और बेल्ट वाले कपड़े का भी लगा सकते हैं, जिसमें आप बेल्ट अलग कपड़े का लगा लीजिए, जो कोई मिलता जुलता कपड़ा हो उसे लेकर आप बेल्ट लगा लीजिए और बेल्ट वाले कपड़े का आप पोंचा बना लीजिए। फिर नेक्स्ट कमेंट है SS, बाजू में घुमाव क्यों आता है और क्यों घूमती है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि बाजू में घुमाव क्यों आता है, ये आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, आप खुशी बुटीक सर्च करके और ये देखेंगे कि बाजू में घुमाव क्यों आता है तो मेरा वीडियो आ जाएगा और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पूनम रानी का, सलवार के आसन की गोलाई सिलते समय झोल आता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो सलवार के नीचे की जो सिलाई लगाते हैं उसमें झोल आता है या आसन से आसन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आपको खुशी बुटीक चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है प्रीति खोवल का, सलवार और कली और पार्ट छोटे बड़े हों तो पोंचे कैसे बनाएं। अगर आपकी कली बड़ी है तो आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट कीजिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कली को आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कली बड़ी है तो आप उसे ऊपर से तिरछा कटिंग कर देंगे तो नीचे से बराबर हो जाएगा, वहां से आप पोंचा बना लीजिए। अगला कमेंट है संजय, दीदी जी प्लीज़ साड़ी में प्लेट कैसे डालें बताओ।
साड़ी में प्लेट डालने का वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है और मैं आपको वीडियो बना के देने वाली हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आप वेट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है सुख खालसा, थैंक्स जी, असी उलझे उलझगे सी पर वीडियो दी हेल्प नाल ठीक हो गया सब। लक्ष्मी भी उलझ चुकी है इन बातों में। इन्होंने बोला है कि मेरे अम्ब्रेला मशीन का सीटल सेट करने में मैं बहुत उलझ गई थी और आपका वीडियो देख के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो इन्होंने थैंक यू बोला है, तो इनको बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है पूजा सिंह, एक लहंगे में कितनी कैन कैन लगती है? एक लहंगे में आप 3 मीटर कैन कैन में भी काम चला सकते हैं और इसमें आप अगर डबल लगाना चाहे, ट्रिपल लगाना चाहे, जितना हैवी बनाएंगे उस हिसाब से आप इसमें कैन कैन लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है परवीन पुनिया, मैम हमारी बाजू में झोल आता है या बाजू से टाइट हो जाता है, सॉल्यूशन बताओ। बाजू में झोल आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे बाजू में झोल क्यों आता है। एक तो आप यहाँ से आगे से बाजू की कटिंग सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बाजू पैटर्न बनाया है वीडियो, ये वीडियो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप बाजू कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू में झोल नहीं आएगा और आपका आर्म होल छोटा है तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए। जैसे आप 6.5 इंच का आर्म होल कटिंग करते हैं तो 7.25 इंच का कटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है जोया खान, मैम चूड़ीदार पजामा की कटिंग स्टिचिंग बताएं प्लीज़, सिर्फ दो मेजरमेंट से, हिप मेजरमेंट एंड लेंथ मेजरमेंट। मैम मैंने बहुत वीडियो देखे बट मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ बताएं। तो जोया खान जी, आपका कमेंट मैंने एक दो बार पहले भी लिया था, उनका जवाब भी मैंने दिया था, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। और जैसे हिप होती है उससे आप 15 इंच लूजिंग लेके और आप हिप के हिसाब से कटिंग कीजिए, और जैसे लेंथ होती है सलवार की उस लेंथ से आप 15 इंच लेंथ में भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नेक्स्ट जन सोल्डर, पटियाला सलवार में कितना कपड़ा लगता है? पटियाला सलवार में सलवार की लेंथ के हिसाब से लगता है, जैसे 35, 36 या 37 इंच की सलवार होती है तो उसमें आप 2.75 मीटर में भी पटियाला सलवार बना सकते हैं, और जैसे 40 इंच लेंथ होती है सलवार की तो उसमें आपको 3 मीटर से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। दीदी ने एक वीडियो बनाया है कोवल स्लीव कटिंग एंड स्टिचिंग, उसके ऊपर एक कमेंट आया है डिवोशनल टाइम का, दीदी 4 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है आपने, लेंथ में मतलब फोल्ड तो थोड़ा ही करना होता है। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फोल्ड तो यहाँ से करना पड़ता है हमें 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और 4 इंच एक्स्ट्रा जैसे हम बाजू लेते हैं तो यहाँ से हम 2.5 इंच डाउन करते हैं या 3 इंच डाउन करते हैं, लेकिन कॉल स्लीव्स में आपको यहाँ से 5 या 6 इंच डाउन करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये लेंथ ज़्यादा ली है। अगर हम लेंथ ज़्यादा नहीं लेते तो यहाँ पे कॉल स्लीव्स नहीं बन पाती है, इसलिए आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट विनीता यादव का ये बोल रही है मैम मुझे भी सिलाई सीखनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें बहुत जल्दी ये कोर्स स्टार्ट करना है, आपको शायद 1 जनवरी को मिल जाए, तो हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा पेमेंट तो देना पड़ेगा लेकिन आप अच्छे से सिलाई सीख जाएंगे, आपको चाहे कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप सिलाई सीख जाएंगे, तो हम ये कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगला कमेंट है गुलजार खान का, वो बोल रही है मैम मेरी मशीन धागा तोड़ रही है, बहुत परेशान हूँ, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा सिल रही है और बार बार धागा तोड़ रही है। तो इसमें आप पहले तो अपनी सुई चेंज कीजिए, अगर आपकी सुई थोड़ी सी ख़राब है तो भी आपकी ये मशीन धागा तोड़ सकती है। अगर आपकी ये जो सुई है उल्टी लगी हुई है या आपने आपने ये नंबर देख के सुई नहीं लगाई है, कम या ज़्यादा नंबर की सुई लगा दी है तो भी धागा तोड़ सकती है, आप अपने मशीन के सीटल को भी चेक कर लीजिए। फिर आखिरी कमेंट है अंशु का जो पूछ रही है आपकी वीडियो बनाते समय मशीन की आवाज़ क्यों नहीं आती? जी हाँ, मेरी मशीन आवाज़ नहीं करती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मशीन आवाज़ नहीं करती है? तो इनको मैं बताना चाहती हूँ कि मशीन तो मेरी आवाज़ करती है लेकिन हमारी जो एडिटर है ये बहुत अच्छे से एडिट करते हैं, तो हम ये मशीन की आवाज़ बंद कर देते हैं। और ये तो थी आज की कमेंट वाली वीडियो, आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि आपको अगले संडे को भी ये कमेंट वाली वीडियो मिल जाए। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आपको बीच में भी एक वीडियो मिल सकती है, क्योंकि मेरी हेल्पर मेरे साथ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।